नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 22 मई दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में जमीन मकान रजिस्ट्री के नियम में इस दिन से होंगे बदलाव। बिहार के सभी पंचायतों में लगेंगे फूड प्रोसेसिंग उद्योग। 2000 के नोट को बदलने को लेकर SBI ने दी बड़ी राहत। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान में इन छात्रों के लिए समर कैंप का आयोजन। केंद्र के खिलाफ नीतीश कुमार ने केजरीवाल से कही ये बात। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। DRDO में 75 पदों पर भर्ती। डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के द्वारा ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के कुल 75 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से प्रथम श्रेणी में संबंधित स्ट्रीम में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है। वहीं टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित डिसिप्लिन में प्रथम श्रेणी में इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हो। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.mhrdnats.gov.in पर जाकर 30 मई 2023 तक ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बिहार में जमीन मकान रजिस्ट्री के नियम में इस दिन से होंगे बदलाव। बिहार वासियों को बहुत जल्द ही जमीन मकान की रजिस्ट्री में सुविधा मिलने वाली है। बता दें कि जून महीने से जमीन मकान की रजिस्ट्री कराने के दौरान गवाह से छुटकारा मिलने वाला है। दरअसल जून महीने से जमीन रजिस्ट्री के दौरान केवल जमीन खरीदने वाले और जमीन बेचने वाले लोगों को निबंधन कार्यालय जाने होंगे, क्योंकि अब जमीन की रजिस्ट्री खरीदार और बेचने वाले के आधार कार्ड से पूरी कर ली जाएगी। ऐसे में उस दौरान गवाह की कोई जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके, इसके लिए मॉडल डीड पर रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। निबंधन विभाग की ओर से इसे जारी भी कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मॉडल डीड निबंधन विभाग में मुफ्त में मिलता है या इसके अलावा आप इसे निबंधन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट nibandhan.bihar.gov.in पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही एक सॉफ्टवेयर का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसकी मदद से जमीन फ्लैट मकान की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा मिलेगी और साथ ही निबंधन शुल्क की जानकारी भी आवेदन के साथ ही पता चल सकेगी। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे अक्षय वट के बारे में। अक्षय वट गया शहर का एक धार्मिक स्थल है। अक्षय वट एक प्राचीन बरगद का पेड़ है। यह वृक्ष पूजनीय है। यह वृक्ष हिंदू और जैन धर्म में धार्मिक मान्यता रखता है। यहाँ पर आपको बहुत बड़ा अक्षय वट वृक्ष देखने के लिए मिलता है। यह जगह बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है। यहाँ पर अक्षय वट में बहुत सारी चुनिया बांधी गई है। यह जगह बहुत ही अच्छी है और यहाँ पर आकर अच्छा लगता है, शांति मिलती है। यहाँ पर थोड़ा आगे आप आएंगे तो आपको रुक्मणी कुंड देखने के लिए मिलेगा। रुक्मणी कुंड एक तालाब है। रुक्मणी कुंड के चारों तरफ मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर एक तरफ आपको सुंदर घाट देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर आप बैठकर इस कुंड का दृश्य देख सकते हैं। आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं और अपना अच्छा समय बिता सकते हैं। 2000 के नोट को बदलने को लेकर SBI ने दी बड़ी राहत। ये तो हम सभी जानते हैं कि RBI की ओर से 2000 रुपए के नोट को बंद करने का फैसला ले लिया गया है और साथ ही इस नोट को बैंक से बदलने के लिए भी 30 सितंबर 2023 तक का समय निर्धारित कर लिया गया है। लेकिन ऐसे में अब SBI के द्वारा 2000 के नोट को बदलने को लेकर लोगों को एक बड़ी राहत दी गई है। दरअसल ऐसी खबर सामने आई थी कि 2000 रुपए के 10 नोट बैंकों में ID कार्ड और फॉर्म भरकर बदल सकते हैं। लेकिन अब SBI के द्वारा लोगों को राहत देते हुए यह फैसला लिया गया है कि अब लोग बिना ID कार्ड और फॉर्म भरे 2000 रुपए के एक बार में 20,000 रुपए के मूल्य तक के नोट को बदल सकते हैं। मालूम हो कि SBI के द्वारा यह नया गाइडलाइन तब जारी किया गया जब सोशल मीडिया पर नोट के बदलने को लेकर गलत सूचनाएं एवं अफवाहें फैलाई जा रही थी। बिहार के सभी पंचायतों में लगेंगे फूड प्रोसेसिंग उद्योग। उद्योग विभाग कार्यक्रम के द्वारा बिहार के सभी 8,387 पंचायतों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शुरू किया जा सके, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाई जाएगी। मालूम हो कि इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को दी गई है। ऐसे में अब उद्यमियों का चयन और उनके प्रोजेक्ट का वेरिफिकेशन जिला उद्योग के द्वारा किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के 8,387 पंचायतों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का शुरुआत किया जाता है, तो इससे बड़ी संख्या में युवा उद्यमियों को कुछ करने का मौका मिलेगा और साथ ही राज्य में मौजूद बेरोजगार महिला पुरुष को रोजगार भी मिलेंगी। मालूम हो कि इस कार्यक्रम के दौरान ऋण के लिए आवेदन भी दिए जाएंगे और फिर बैंक के माध्यम से उन्हें लोन उपलब्ध कराकर उन्हें नए उद्योग शुरू करने की सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसे राज्य से होने वाले पलायन को भी रोका जा सकेगा।
अब मदरसों को भी अपने खर्चे का देना होगा हिसाब। अनुदान देने वाले मदरसों से अब राज्य सरकार एक एक रुपए का हिसाब लेगी। दरअसल राज्य सरकार की तरफ से इस बात की घोषणा कर दी गई है कि जो भी पैसे राज्य सरकार के खाते से जा रहे हैं वह किस मद में कितने खर्च मदरसों द्वारा किए जा रहे हैं। साथ ही साथ मदरसों को खर्च किए गए पैसों को ऑडिट भी करवाना होगा और उसका रिपोर्ट राज्य सरकार को ऑनलाइन भेजना होगा। बता दें कि पूरे राज्य में कुल 1942 अनुदानित मदरसे हैं। इनमें से 1732 वस्तानिया के, 119 फोकानिया के, 55 मौलवियों के, 22 आलिम के और 14 फाजिल स्तर के मदरसे मौजूद हैं। इन मदरसों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाए जाने के कारण हो रहे खर्च का विवरण पता नहीं चल पाता है। शिकायत के बाद इन मदरसों की जांच शुरू हुई, जहां 609 मदरसों के फर्जीवाड़े की खबर सामने आई है, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा का एडमिट कार्ड जल्द होगा जारी। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में हैं जो बिहार लोक सेवा आयोग के 32वीं न्यायिक सेवा की परीक्षा में भाग लेने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि इस परीक्षा का आयोजन 4 जून 2023 को होने वाला है। ऐसे में सभी अभ्यर्थियों के मन में यह सवाल है कि इस परीक्षा का एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा। तो हम आपको बता दें कि इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को परीक्षा के एक सप्ताह पहले जारी किया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी, जिसमें पहली पाली की परीक्षा की शुरुआत 11 बजे से होगी जो कि दोपहर 1 बजे तक चलेगी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा की शुरुआत दोपहर 2 बजे से होगी जो कि शाम 4 बजे तक चलने वाली है। उत्पाद विभाग ने की शराब पीने और बेचने वालों की गिरफ्तारी। अब एक बार फिर से जहानाबाद के कई गांवों में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी अभियान चलाकर शराब पीने साथ ही शराब बेचने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार इस अभियान में कुल 25 गिरफ्तारी हुई है। इन 25 लोगों में 8 बेचने वाले लोग मौजूद थे तो वहीं 18 लोग पीने वालों में शामिल है। वहीं नित्यानंद प्रसाद जो कि उत्पाद विभाग के अधीक्षक, उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जब उनकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी उसके बाद उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। गया में अब तिलकुट व्यापारियों का होगा फायदा। देश भर में प्रसिद्ध गया का तिलकुट अब गया में ही उपज रहे तीज से बनेगा, क्योंकि बिहार के गया जिले में लगभग 500 एकड़ जमीन में तिल की फसल लहलहाती नजर आ रही। लहलहाते हुए यह तिल अगले ही महीने में निकालना शुरू हो जाएगी। पूरे देश में प्रसिद्ध रहे गया में बनने वाले तिलकुट के लिए तिल अब तक राजस्थान और गुजरात से मंगवाए जाते थे। दूसरे राज्यों से मंगवाए जाने के कारण यह थोड़े महंगे भी पड़ते थे, लेकिन अब इसकी खेती जिले के अंदर ही होगी। ऐसे में तिलकुट व्यापारियों को अच्छी बचत होगी, साथ ही किसान भी फायदे में रहेंगे। यहाँ तिलकुट को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दी यहां तिलकुट को बड़े पैमाने पर बढ़ावा भी दिया जा रहा है और आने वाले साल में इसका उत्पादन कई गुना बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा गया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे प्रभात रंजन सरकार के बारे में। प्रभात रंजन सरकार एक आध्यात्मिक गुरु, आधुनिक लेखक, भारतीय दार्शनिक, सामाजिक विचारक, योगी लेखक, पंथ नेता, कवि, संगीतकार और भाषाविद थे। कार को उनके आध्यात्मिक नाम श्री श्री आनंद मूर्ति से भी जाना जाता है। उनके शिष्य उन्हें बाबा या पिता भी कहते हैं। 1955 में सरकार ने एक आध्यात्मिक और सामाजिक संगठन आनंद मार्ग की स्थापना की, जो ध्यान और योग में शिक्षा प्रदान करता है। भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने सरकार के बारे में कहा है, प्रभात रंजन सरकार भारत के महान आधुनिक दार्शनिकों में से एक थे। प्रभात रंजन सरकार एक उर्वर लेखक थे और उन्होंने व्यापक स्तर पर सृजन किया। इन्होंने लगभग 350 पुस्तकें लिखी। उनकी किताबें दुनिया की सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है। परमाणु विज्ञान पर उनके चिंतन के कारण उन्हें माइक्रोवाइटा मनीषी भी कहा जाता है। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान में इन छात्रों के लिए समर कैंप का आयोजन। 1 जून से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी होने वाली है। ऐसे में कई बच्चे अपनी छुट्टी के दौरान समर कैंप जाने की इच्छा रखते हैं। ऐसे में बिहार सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा भी बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया है। बता दें कि समर कैंप कक्षा 3 से 12 तक में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आयोजित किया गया है। मालूम हो कि समर कैंप का आयोजन उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान द्वारा 6 दिनों के लिए हस्तशिल्प एवं ललित कला प्रशिक्षण हेतु किया गया है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होगा। इस समर कैंप में बच्चों को 8 विधाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें पेपर मेजी, टेराकोटा, मंजूषा पेंटिंग, सिक्की कला, टिकुली कला, जूट शिल्प, मधुबनी पेंटिंग और ललित कला शामिल है। बता दें कि समर कैंप का हिस्सा बनने के लिए इच्छुक छात्रों को umsaas.org.in/summer-camp-2003-application-form पर जाकर 31 मई 2023 तक आवेदन करना होगा। वहीं अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर 8757513379 पर कॉल कर संपर्क किया जा सकता है। पीएम मोदी की सभा में गांधी मैदान को दहलाने वाला
मेहरे आलम गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर दरभंगा के एसटीएफ के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नरेंद्र मोदी के गांधी मैदान में हो रही सभा के धमाके के आरोपी मेहरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि 27 अक्टूबर 2013 में बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की सभा में धमाके कर मेहरे और उसके साथियों ने सभी को दहला दिया था। ऐसे में अब उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बात की पुष्टि खुद आरोपी के पिता के द्वारा की गई है। मालूम हो कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार आरोपी की गिरफ्तारी दरभंगा के अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के सिंघौली गांव से हुई है। बता दें कि इससे पहले भी मेहरे की गिरफ्तारी एनआईए के द्वारा कर ली गई थी, लेकिन वह चकमा देकर भागने में सफल हो गया था। स्कूल में वितरित होने वाली किताबें कबाड़ से हुई बरामद। बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर अक्सर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। एक बार फिर से एक ऐसी खबर सामने आई है जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर दाग के समान है। दरअसल यह खबर बिहार के रोहतास और पूर्णिया जिले की है, जहां एक कबाड़ी के पास से स्कूल में वितरित किए जाने वाले पुस्तक भारी संख्या में बरामद हुए हैं। जहां पुस्तक के 5 बोरे थे और हर बोरे में 40 सेट किताबें मौजूद थी। इस बोरे पर रोहतास जिला का नाम भी देखने को मिला। किताब बरामद किए जाने के बाद पुलिस ने कबाड़ी संचालक को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही जिले के केनगढ़ बीआरसी के चतुर्थ वर्गीय कर्मी को भी गिरफ्तार किया गया है। मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। बिहार में गर्मी ने दिखाए तेवर, इस दिन से फिर बदल सकता है मौसम। बिहार में मौसम का मिजाज बिल्कुल बदल चुका है। गर्मी के तेवर तीखे हो चुके हैं, पारा तेजी से ऊपर जा रहा। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक 24-25 मई को मौसम में फिर बदलाव के आसार है। संभावना है कि बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 2 दिन मौसम शुष्क बना रहेगा। अगले 2 दिन मौसम को लेकर लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि 23 मई से मौसम फिर पलटी मार सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 24 मई से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ जिलों में प्री मानसून बारिश की संभावना है। सूबे के 19 जिलों में आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक 13 जून को बिहार में मॉनसून की एंट्री हो सकती है। सरकारी योजनाओं की हकीकत जानने चंपारण पहुंचे राज्यपाल। इन दिनों राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर अपने 2 दिवसीय चंपारण यात्रा पर है। बता दें कि अपने इस यात्रा के दौरान उन्होंने चंपारण में चल रही सरकारी योजनाओं की हकीकत जानी, जिसके लिए वे वाल्मीकि नगर पहुंचे। बता दें कि इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की और सभी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने पंचायत राज पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ संवाद भी किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वे वाल्मीकि नगर के 2 दिवसीय दौरे पर सरकारी योजनाओं की हकीकत जानने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि यहां मैंने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और सभी के द्वारा अच्छे ढंग से अपने विषय के बारे में मेरे सामने रखा गया। मुझे पूरी आशा है कि सरकार लोगों की समस्याओं की दिशा में काम करेगी। मैं बिहार की जनता को जानना चाहता हूं, जो मुझे यहां के लोगों से बातचीत करके पता चलेगा, न कि अफसरों से बातचीत करके। इसलिए मैं लोगों से मिलकर यह जानने की कोशिश कर रहा हूं। शाहरुख खान के संघर्ष को लेकर मनोज वाजपेयी ने कही ये बात। बॉलीवुड के दमदार एक्टर मनोज वाजपेयी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है, जो G5 पर रिलीज होने वाली है, उसके प्रमोशन में लगे हुए हैं। मालूम हो कि फिल्म के प्रमोशन के दौरान ही एक इंटरव्यू में मनोज वाजपेयी के द्वारा शाहरुख खान के संघर्ष को लेकर कुछ बातें कही गई। उन्होंने कहा कि वो शाहरुख खान का बहुत सम्मान करते हैं, उन्हें इस मुकाम पर देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका 26 साल की उम्र में पूरा परिवार उजड़ चुका था, उसने कभी हार नहीं मानी और अपने लिए नई दुनिया खड़ी की, अपना परिवार क्रिएट किया, अपने लिए इतना नाम इज्जत बनाया। मैं उनके इसलिए इज्जत करता हूं क्योंकि मैं उनके आसपास ही था जिसने यह सब घटते देखा था। जब आप किसी को नीचे से ऊपर उठते देखते हैं तो आप उसकी तारीफ कर पाते हैं। उसके लिए मेरे दिल में हमेशा सम्मान रहेगा। मैं जानता हूं कि वो कहां था और कहां पहुंचा है। WHO ने इन 2 बीमारियों को हेल्थ इमरजेंसी श्रेणी से किया बाहर। अगर आप इस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह खबर आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। बता दें कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 2 बीमारियों को हेल्थ इमरजेंसी की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ के द्वारा घोषणा करते हुए कहा गया है कि WHO के द्वारा मंकी पॉक्स और कोविड को हेल्थ इमरजेंसी से बाहर कर दिया गया है। मालूम हो कि मंकी पॉक्स को जुलाई 2022 में हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया था। उस समय बीमारी दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों में फैल गई थी। वहीं कोविड भी अब श्रेणी से बाहर हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक WHO के द्वारा कुल 7 बीमारी को हेल्थ इमरजेंसी में डाला गया है, जिसमें साल 2009 में स्वाइन फ्लू, साल 2014 में पोलियो, 2016 में इबोला, 2018-20 में कीबू इबोला, 2020 में कोविड-19 तथा साल 2022 में मंकी पॉक्स के नाम शामिल हैं। पूर्व IPS ने बिहार के कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर, जो कि यूपी सरकार के तरफ से जबरन रिटायर कर दिए गए थे, उन्होंने सीतामढ़ी में अपने राजनीतिक पार्टी आजाद अधिकारी सेना का क्षेत्रीय कार्यालय बनाया। अमिताभ ठाकुर अक्सर विवादों में देखने को मिले। उनका कहना है कि पार्टी के गठन का उद्देश्य अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ और आम नागरिकों के हित की लड़ाई लड़ना है। अपने गृह जिला में कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद वे कई कार्यक्रमों में शामिल भी हुए। उन्होंने बताया कि अब जनता के अधिकारों के लिए लड़ना ही एकमात्र मकसद है। साथ ही उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की तरफ से दिल्ली यूपी और दिल्ली चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। चुनाव का ऐलान करते हुए उन्होंने बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए और कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। बिहार पुलिस सत्ताधारी नेताओं के सामने नतमस्तक है। केंद्र के खिलाफ नीतीश कुमार ने केजरीवाल से कही ये बात।
बीते ही दिनों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता के मुहिम को लेकर बात की, साथ ही कांग्रेस नेताओं से भी मुलाकात की। बता दी कि नीतीश कुमार कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह के बाद शनिवार के दिन ही देर शाम तक दिल्ली पहुंचे थे। अरविंद केजरीवाल के आवास पर ही नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी। मुलाकात के दौरान नीतीश के साथ तेजस्वी यादव, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और राज्यसभा सांसद मनोज झा भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार द्वारा कहा गया कि संविधान के खिलाफ काम करना ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही रहा, लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार जो करने की कोशिश कर रही है वह विचित्र है। साथ ही उन्होंने केजरीवाल को भरोसा दिलाते हुए कहा कि जदयू नहीं राजद भी उनके साथ खड़ी है, प्रदेश की सभी पार्टियों को एकजुट करके केंद्र सरकार के इस फैसले को राज्यसभा में पास नहीं होने देंगे। 2024 चुनाव में मोदी सरकार को लेकर दीपांकर भट्टाचार्य का बड़ा बयान। बीते दिन भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य नौबतपुर के सरासत गांव पहुंचे। दरअसल कुछ दिनों पहले बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसको लेकर बीते दिन लाल और नीले झंडे के साथ बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और आम लोगों ने सरासत गांव का दौरा किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए दीपांकर भट्टाचार्य के द्वारा कहा गया कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को बीजेपी बिहार में उन्माद फैलाकर जीतना चाहती है, लेकिन उन्हें यह याद रखना चाहिए कि उन्होंने बिहार बुद्ध के जमाने से सामाजिक बदलाव की धरती रही है। यहां से हिंदू राष्ट्र का नहीं बल्कि 2024 के चुनाव में केंद्र की सत्ता से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का संदेश चढ़ा है। उन्होंने कहा कि जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर हमला नहीं बल्कि उनके विचारों और संविधान पर हमला है, वह हमेशा समतामूलक और धर्मनिरपेक्ष समाज की बात करते थे। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले इस इलाके में एक बाबा आए थे जिनके बाद बीजेपी से मिलती है, जिन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद पर उन्माद पैदा किया, उसी के बाद सरासत गांव में इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। लोजपा पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में चिराग ने कही ये बात। लोजपा रामविलास की पार्टी के अनुसूचित जाति और जनजाति प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता सम्मेलन पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित हुआ, जहां चिराग पासवान जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे और अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। इस सम्मेलन में चिराग पासवान ने पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी को तोड़ा गया और हमारे घर को भी खाली करवाया गया, लेकिन मैं शेर का बेटा हूं, किसी से डरता नहीं। समाज की बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, बिहार में समाज को बांटने वाली सरकार है। दलित महादलित करके लोगों को बांटा गया। लालू नीतीश के 33 साल के शासन में दलितों का उत्थान नहीं हो सका। एमएस धोनी को उनके फैंस से मिला यह खास तोहफा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और वर्तमान में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के उनके फैन कितना चाहते हैं यह तो हम सभी जानते हैं। उनकी एक झलक के लिए फैंस पागल हो जाते हैं। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी को उनके फैंस के द्वारा एक ऐसा तोहफा मिला है जिसे देख खुद महेंद्र सिंह धोनी भी दंग रह गए। बता दें कि इसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। दरअसल एमएस धोनी को उनके फैन के द्वारा चेपॉक स्टेडियम का एक छोटा मॉडल उपहार के रूप में दिया गया है। बता दें कि वायरल हो रहे वीडियो में उनका फैन धोनी को चेपॉक स्टेडियम का एक छोटा मॉडल उपहार देते दिख रहा है। इस वीडियो शुरुआत में यह मॉडल एक टेबल पर रखा दिखता है जिसके सामने एमएस धोनी खड़े नजर आते हैं। वहीं जैसे जैसे यह वीडियो आगे बढ़ता है स्टेडियम में फ्लड लाइट्स चलती है जिसे देख धोनी मुस्कुराते नजर आते हैं। उसके बाद धोनी उस मॉडल को बेहतर तरीके से देखने के लिए झुक जाते हैं। बता दें कि धोनी इस खास मॉडल को देखकर काफी खुश नजर आते हैं। मालूम हो कि धोनी का यह वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलजली ने एक आदेश के तहत दिल्ली के मुगलवासा के लिए एक स्थायी प्रावधान की व्यवस्था की। बछेंद्री पाल 1984 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। गणितज्ञ श्रीनिवास वर्धन को 2007 में नॉर्वे का अबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। धार्मिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में सबसे अग्रणी राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 में हुआ। हिंदी और रूसी साहित्य के आधुनिक सेतु निर्माताओं में से एक मदन लाल मधु का जन्म 1925 में हुआ। महबूबा मुफ्ती जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री जन्म 1959 में हुआ। भारत में सुर साम्राज्य का संस्थापक और महान योद्धा शेरशाह सूरी का निधन 1545 में हुआ। भारत के प्रारंभिक कम्युनिस्ट नेताओं में से एक श्रीपाद अमृत डांगे का निधन 1991 में हुआ। आज के दिन को विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बालखंड में आज हम बात करेंगे द ऑफिशियल SBI के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे द ऑफिशियल SBI के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक नकली संदेश प्रतिरूपण कर रहा है। द ऑफिशियल SBI दावा करता है कि संदिग्ध गतिविधि के कारण प्राप्तकर्ता का खाता अस्थायी रूप से लॉक कर दिया गया है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि अपनी बैंकिंग विवरण साझा करने के लिए कहने वाले ईमेल SMS का कभी भी जवाब न दे। ऐसे संदेशों की तुरंत रिपोर्ट PHISHING@SBI.CO.IN पर रिपोर्ट करें। जाने एयरप्लेन मोड का कहां कहां होता है इस्तेमाल। आपने अब तक कई बार अपने अपने मोबाइल में दिए गए एयरप्लेन मोड का इस्तेमाल जरूर किया होगा। जब फोन में इंटरनेट सही से नहीं चलता तो संभावना है कि आपने भी एयरप्लेन मोड ऑन कर ऑफ किया होगा, लेकिन बता दें कि इसके अलावा भी आप कई चीजों के लिए एयरप्लेन मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दें कि अगर आप बैटरी को जल्दी ड्रेन या खत्म होने से बचाना चाहते हैं तो एयरप्लेन मोड ऑन कर दे। वायरलेस नेटवर्क सर्च न करे और न ही फोन किसी डिवाइस से कनेक्ट होता है, इस वजह से आपकी बैटरी लाइफ बढ़ाने में मदद कर सकता है। अगर आपको आपके फोन के वायरलेस कनेक्ट
कनेक्शन में समस्या आ रही है तो कभी कभी एयरप्लेन मोड को चालू करके वापस बंद करने से समस्या ठीक हो जाती है। जब आप किसी पब्लिक प्लेस पर हो तो एयरप्लेन मोड चालू करने से आपके फोन को आसपास के डिवाइस ट्रैक नहीं कर पाएंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया था उनके नाम है मोहम्मद सकीर हुसैन, मुकेश राम, मृत्युंजय कुमार, शंकर मुखिया, राजीव कुमार, उमेश ऋषिदेव, रमन कुमार, अनवर करीम खान, विद्यासागर, सदुल्ला पलवी, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, रामनवी मांझी, रितेश रंजन, रोशन वर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की क्या स्थिति है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।